कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लगाई पुलिस मुख्यालय में क्लास। 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे सीएम नीतीश, बोले क्राइम हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। एनएमसीएच अस्पताल का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ अधिकारी भी रहे मौजूद। एनएमसीएच से निकलने के बाद पहुंचे इको पार्क, पार्क का लिया जायजा। कोरोना से उबरते ही जीतन अमांझी का प्रेशर, पॉलिटिक्स, कहा एक एमएलसी और एक मंत्री पद और चाहिए, हमके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया बयान। बिहार कांग्रेस में होगी बड़ी टूट, वरिष्ठ नेता का दावा, 11 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने बड़े टूट को लेकर आलाकमान को किया आगाह। कांग्रेस नेता भरत सिंह के बयान पर जदयू ने साधा निशाना, जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस में किस तरह से मच रहा है भगदड़, भरत सिंह के बयान से साबित करता। नालंदा में एक अधेड़ की हत्या, शव को बक्से में बंद कर सड़क किनारे फेंका, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। और मुंगेर में जाली नोटों के कारोबार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 15,500 के नकली नोट बरामद, 100 और 200 के हैं नकली नोट। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत, सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के डबल एक्शन की। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और बीते साल के अंतिम दिनों तक अचानक पटना स्थित मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने हालात की समीक्षा की थी और एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। और दूसरा पीएम अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज को कहा कि आप देखिए, जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से करना है, तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य जरूरत है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंच कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ, मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी ज़रूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, इसलिए हम लोग आज देखने आए हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों की तैयारी हो गई है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस दिन से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, तत्काल इस पर जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक यहाँ पर तत्काल इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार एनएमसीएच से निकलने के बाद इको पार्क पहुंच, पार्क का जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सरकार ने कई काम किया है। साथ ही कहा कि काफी संख्या में लोग इको पार्क में घूमने आ रहे हैं और पटना में सबसे ज्यादा लोग इसी पार्क में आते हैं। संख्या बढ़नी चाहिए उस हिसाब से संख्या उसकी बढ़नी, लेकिन उसके लिए सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे कैंपस में तो कम से कम 5-6 एक साथ रहता था, अब आजकल कभी कभी 1 या 2 आता है।
वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के नगर निकायों की समीक्षा अधिवेशन भवन में आयोजित की गई। बैठक में दोनों प्रमंडलों के सभी नगर निकायों के महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षदों के साथ नगर निकायों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार के चौथे एवं पांचवें प्रमंडल की संयुक्त बैठक जो अपने स्थानीय नगर निकाय हैं उस क्षेत्र के अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री एवं उस क्षेत्र से के तमाम अपने स्थानीय जो अर्बन बॉडी है उसके नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उस क्षेत्र के सभी हमारे अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में उपस्थित हैं। हिंदुस्तानिया व मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी। साथ ही सभी इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और सभी इकाई में दोबारा चुनाव होंगे। और लालू तेजस्वी जी अनुभव की कमी है, हार से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए वो चले गए थे। बड़ा लोग आप लोग बोले थे, मैं आज भी कहता हूँ कि मेन मुद्दा जब आता है, चाहे बाढ़ का मामला हो, चमकी बुखार का मामला हो, या आज जो किसान आंदोलन का मामला हो, वो दिल्ली में जा कर के क्यों बैठ जाते हैं? नहीं बैठना चाहिए। नेता विरोधी दल के लोग हैं, दिल्ली में भी अपना काम करें, कौन रोकता है, लेकिन पटना में भी रहना चाहिए, बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए जो कि वो छोड़ रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको, चिराग पासवान हों या तेजस्वी जी हों, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं पता नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने बिहार कांग्रेस में बड़े टूट को लेकर आलाकमान को आगाह करते हुए बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू के संपर्क में हैं। इस टूट का कारण बताते हुए भरत सिंह ने कहा कि बिहार कांग्रेस में जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, सतरन सिंह हो, अखिलेश सिंह या आलाकमान को गुमराह करते हैं, बिहार कांग्रेस की असली समस्याओं को नहीं बताते हैं। जो चर्चा है, जो बात है, लोग बोलते हैं थोड़े सामने में, वो तो जाने के समय में पता चलता है कि इतना चले गए। 11 फाइनल है, 11 अपना तैयार है और लोगों का अभी तो मतलब उसका तय तमन्ना भी हो गया है। तय तमन्ना जो करता रहता है यहाँ, तो रोज उसी के माहिर लोग है ये हैं जो करते हैं पार्टी को, जो बेचते खरीदते आया है आज तक। सदानंद सिंह इतना दिन से दूसरा कोई काम नहीं, मदन झा का कोई काम नहीं, अखिलेश सिंह का कोई काम नहीं, तो लोग अपना करते आया है। आलाकमान को वहाँ गलत सूचना देते रहा है, वो लोग विश्वास करते ना उनको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह का बड़ा बयान सामने आया और इस बयान में उन्होंने कांग्रेस के 11 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जदयू में जाने की बात कही है। और बता दें, इस बयान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के नेता भरत सिंह का यह बयान साबित करता है कि कांग्रेस में किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है। समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं है और बिहार कांग्रेस को पूरी तरह से कोमा में है, ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भाप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। कहीं ना कहीं दूसरों के घर में ताकझांक करने के बजाय अब कांग्रेस के नेताओं को पहले अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पटना से मुंगेर जाने के क्रम में लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर सूबे के मत्स्य एवं
पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मुकेश सहनी ने बताया कि वह मुंगेर के दौरे पर हैं और रात्रि विश्राम वह शेखपुरा में करेंगे। साथ ही जानकारी दी कि हमारे मिशन में जो साथी जुड़े हुए थे, खासकर वीआईपी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, उसमें वीआईपी पार्टी भी सहयोगी है। उसके नाते अपने लोगों को मजबूती देने के लिए निकले हैं और हमारे पास जो विभाग है बहुत सारा है। पूरा में रुकेंगे तो अपने साथ जो हमारे मिशन में जो जुड़े हुए थे और खासकर वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी और हमारे निशान विकास संघ के सभी पदाधिकारी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको देख ही रहे हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बना है, उसमें वीआईपी पार्टी भी सहयोगी है। उसके नाते अपने लोगों को मजबूती देने के लिए सब जिला में निकल रहे हैं और हमारे पास जो विभाग है बहुत सारा स्कीम है, हम लोग चाहेंगे कि बिहार में उसके लेकर बहुत ज़्यादा जनता को। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं डिजिटल वित्तीय निजी संस्थान चलो द्वारा एमओयू हस्ताक्षर किया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर की अध्यक्षता में यह समझौता किया गया। इस समझौता के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिहार में चलाई जा रही नगर बस सेवा में सफर करने वाले यात्रियों को कैशलेस टिकट की व्यवस्था एप्लीकेशन और कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। लोगों को चलो ऐप डाउनलोड करने पर बस के एग्जैक्ट लोकेशन टिकट और साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी। वहीं कार्ड के माध्यम से वह कार्ड को रिचार्ज कर बस की सफर कर सकते हैं। इसके तत्वावधान में आज जो एमयू का ये कार्यक्रम हुआ है, वो इसमें जो भी सुविधाएं हमको चलो ऐप के द्वारा दी जानी है, एक तो कैशलेस सारा काम होना है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, जो हम लोगों का SOP है हेल्थ डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, तो यात्रियों को सुविधा देने के लिए, यात्रियों की जो सेवा है उसको और अच्छी करने के लिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और इसमें कार्ड हम लोग दे रहे हैं, GPS लग चुका है सिटी बसों में, लॉन्ग रेंज में हम लोग फिर वाईफाई की भी सुविधा देंगे। पटना के मसौड़ी में नेशनल हाईवे पर पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी वसूली कर रहे हैं और जब वहां मीडिया की टीम पहुंची तो वही लोग वहां से भागने लगे। पूरा वीडियो 6 मिनट से ज्यादा का है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिसकर्मियों की जिप्सी जिससे वह गश्ती लगा रहे थे उसमें हजारों रुपए रखे हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी पटना के SSP को जैसे ही मिली, SSP ने जांच के बाद एक दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और सभी के खिलाफ मसौढ़ी थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। दिन से हम लोग लगातार जो है ये भ्रष्ट पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार। कहाँ का पुलिस है? एक तो कभी 14 चक्का नहीं लोड होगा, कभी 16 चक्का लोड नहीं होगा। नीतीश कुमार जी क्या नाटक बना के रखे हो? आपका खनन पदाधिकारी बिक चुका है, आपका DTO बिक चुका है और रात में पुलिस जो सड़कों पे निकलते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए वो सभी के सभी लोग बिक चुके हैं। हमारी जान खतरे में है, सभी के सभी हमारी जान खतरे में, सारे लोग गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। पटना के गांधी सेतु पर उस समय हड़कंप मच गया जब हाजीपुर से 4-व्हीलर गाड़ी से आता हुआ व्यक्ति लगातार हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करता रहा। इस वाकया से गांधी सेतु पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। उसके बाद अफरा तफरी के बीच लगातार जो फायरिंग करता हुआ वह आगे जा रहा था। इसी में से किसी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। काफी मशक्कत के बाद गांधी सेतु पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को गांधी सेतु पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की जा रही है, उसके बंदूक की जांच की जा रही है। फिलहाल फायरिंग करने का उसका मकसद क्या था यह पता नहीं चल पाया। रास्ते फायरिंग करते हुए आ रहा है पूरा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगा लिखा हुआ अभी तक आपने बंदूक के बल पर तमाम गलत काम किए जाने की बात ही सुनी होगी, चाहे वह लूट हो, हत्या हो या किसी के साथ गलत काम करना हो। पर क्या आपने कभी किसी शख्स को बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स बंदूक के साथ बच्चों को क ख ग पढ़ाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहे ये युवक एक दुकानदार है, उसकी पान की दुकान है और मिठनपुरा इलाके के एक व्यक्ति का बंदूक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह हाथ में बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों से क ख ग घ लिखने के लिए बोल रहा है। हालांकि इसका अभी फुटेज नहीं मिला है, यदि बच्चा लिखने में सुस्ती दिखाता है या नहीं लिखता है तो क्या वह बीच बीच में हवाई फायरिंग भी करता है, जैसा अक्सर हम लोग फिल्मों में लूट या किसी तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते समय देखते हैं। हाँ सब पढ़ो, पढ़ के ये पूरे लाइन में लिखो, पूरा पूरा लिख लिख करके दिखाओ हमको, है ना। हाँ सब पढ़ो, पढ़ बताई है आज के अखबार में आई है बात। वीडियो हम लोग उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध होते ही इसका जांच का आदेश दे दिया गया है। SHO को जांच करेंगे, जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार मेरी समझ कर रही है। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के बलुआ कुआरी गांव में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे गांव में डर का माहौल है। जानकारी के अनुसार शव के पास से शराब की बोतल और ग्लास बरामद हुए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पूरे शव की पहचान में जुटी हुई है। और उसका नाक से ब्लड आया हुआ है। यहाँ पर डेड बॉडी मिला, उसे 5 गज की दूरी पर शराब का बोतल मिला है, शराब भी है, कुछ प्लास्टिक का ग्लास मिला है, उसमें एक ग्लास में शराब रखा हुआ है और पानी का 2 बोतल मिला है। खबर भागलपुर से, भागलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने 4 अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है। सीनियर SP निताशा गुरिया के गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और अपराधियों को अपराध की योजना बनाते रंगे हाथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। सिटी SP पूरन झा के नेतृत्व में इस मामले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 12 जिंदा गोली और 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उल्टा पुल्टा जो हमारा पुल है, उल्टा पुल के पास में कुछ अपराधी जो हैं एकत्र हो रहे हैं और वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। तो उसी के तहत में जो है हमने ASP City के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और वहाँ पे जो है इन अपराधियों के विरुद्ध जो हमें सूचना मिली थी उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 4 की गिरफ्तारी की है। इसमें से 2 जो हमारे अपराधी हैं उनके विरुद्ध पहले से ही क्रिमिनल हिस्ट्री है और साथ में अवैध हथियार की भी बरामदगी हुई है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बारदा पहाड़ गांव निवासी मोहम्मद परवेज के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में पुलिस ने 15,500 रुपए के नोट बरामद किए हैं, जिसमें 100 और 200 के जाली नोट मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 200 का जाली नोट कुछ जगहों पर चलाया था, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की और पुलिस ने जांच में इसका पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार था। फिलहाल पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। छपरा कचहरी स्टेशन के कुलदीप नगर के पास एक हादसे का मामला सामने आया है। इस हादसे में एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति की मालगाड़ी के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र 50 वर्ष है। आपको बता दें कि मृतक खुद ही मालगाड़ी के सामने कूद गया और हादसे का शिकार हो गया। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना में भारी पैमाने पर अनियमितता की खबर पूरे प्रदेश से आ रही है। इसी कड़ी में दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देकुली
चट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना के तहत घरों में पानी सप्लाई अधूरा रह गया और योजना के उद्घाटन होने से पहले ही 18 लाख की लागत से बना जल मीनार अचानक धराशायी होकर गिर पड़ा। जल मीनार के उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो जाना हर घर नल जल योजना में भारी पैमाने पर अनियमितता देखने को मिली है और लापरवाही के चलते जल मीनार उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। वही घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नवनिर्मित जल मीनार की मजदूरों द्वारा सेटरिंग खाली जा रही थी और खोली जा रही थी, उसी दौरान वार्ड सचिव के द्वारा घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से मोटर को चालू कर पानी टंकी को भरा जाने लगा। इस बीच जल मीनार पानी का लोड नहीं सह पाया और पानी भरते ही जल मीनार टूटकर जमीन पर गिर गया। इनको यही हो गई और गलती, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि सट्रिंग वाले को जो कम से कम 22 दिन का मिनिमम होना चाहिए उसके द्वारा ये गलती हुआ है और हम जांच करवाएंगे इसमें और कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट से जानकारी मिली थी, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि कम से कम 22 दिन तक सट्रिंग रहना चाहिए और टंकी अभी नहीं चढ़े, तो भी इन्होंने टंकी भी चढ़ा दिया और सट्रिंग खोल दिया समय से पहले, 12 दिन में ही खोल दिया, जिसके देश में बढ़ रही मैनेजमेंट छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए IIM बोधगया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2021 से करने जा रहा है। इसी के साथ IIM बोधगया सभी तीसरे दौर में IIM में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कराने वाला पहला संस्थान और देश भर में तीसरा संस्थान होगा। और बता दें आपको कि IIM बोधगया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट IIM में एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से प्रवेश लिया जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट IIM के माध्यम से IIM बोधगया देश भर के छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय निवेश और संपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से भविष्य के बिजनेस लीडर बनाने का लक्ष्य रखता है। और IIM के पहले बैच में 60 छात्रों का प्रवेश लिया जाना है। पाठ्यक्रम को संतुलित रखा गया है ताकि छात्रों को विभिन्न विषयों का बराबर ज्ञान मिल सके और वह भविष्य में देश के बिजनेस लीडर बन सके। देश में गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के मद्देनजर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक टीम गंगा परिक्रमा कर इन दिनों निकली हुई है और अतुल्य गंगा मुंडमाल परिक्रमा के बैनर तले प्रयागराज से पैदल यात्रा पर निकली यह टीम खगड़िया पहुंची, जहां जिले के स्थानीय लोगों ने पदयात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया और टीम के लोगों से गंगा सफाई पर विस्तार से जानकारी लिया। 6000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली इस टीम में कई पर्वतारोही और कई सेवानिवृत्त आर्मी अधिकारी भी हैं। यह गंगा परिक्रमा पिछले साल 16 दिसंबर से प्रयागराज से शुरू हुआ, जो गंगा सागर समेत अन्य जगहों का लगातार 8 महीने तक परिक्रमा करेगा। पहला उद्देश्य यह है कि में हम जीरो टॉलरेंस है पॉल्यूशन का, ये पैदा करना चाहते हैं। गंगा में नाम मात्र की भी कोई गंदगी ना जाए और इसी के जागरण के लिए हम निकले हैं, गंगा परिक्रमा पर निकले हैं। ये गंगा परिक्रमा लगभग 6000 किलोमीटर की होने वाली है। हमने प्रयागराज से निकले हैं 16 दिसंबर को और गंगा के किनारे किनारे हम लोग आपके यहाँ आए हैं और यहाँ से हम सीधे जाएंगे गंगा सागर। हैं एक टीम हमारी गंगा का पॉल्यूशन हर 15 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर पॉल्यूशन मैपिंग कर रही है। एक बार हम गंगा की पूरी परिक्रमा करके लौटेंगे तो हमारे पास पहली दफे पूरी गंगा का पॉल्यूशन मैप होगा। सरकार ने चुनावी भाषणों में हमेशा कहा है कि विकास जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन गया के शिव नगर पंचायत के पंचनमपुरा गांव में महादलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव ने सरकार के इस दावे को झूठा साबित कर दिया है। पंचनमपुरा के दलित और महादलित टोलों के विकास काम के लिए सरकारी राशि की निकासी की गई, लेकिन विकास सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गई। इन वार्डों के मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों उच्च जाति समाज के नेता हैं, जिसके कारण इनके खिलाफ शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि चमार टोली के लोगों ने नल जल का पानी नहीं मिलने की शिकायत की है, जिसके कारण उन्हें दूर के नदी से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने उच्च जाति के लोगों पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अछूत जाति के लोगों को अंतिम में योजना का लाभ देने की बात कही है।
खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक होटल संचालक को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने रात करीब 10 बजे मृतक को घर लौटते वक्त गोली मारी, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मामला बेकाबू हो गया है और जब मृतक का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की संख्या में बंजारी चौक पर जाकर NH-28 को जाम कर दिया। खबर दरभंगा से। दरभंगा में भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला परिषद के नेतृत्व में समरणालय पर धरना बुधवार से शुरू हुआ। धरना के नेतृत्व किसान महासभा के जिलाध्यक्ष शिवन यादव और सचिव प्रवीण यादव कर रहे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार की तीनों किसान विरोधी कानून, पराली जलाने पर दंड और बिजली महंगी करने को का बिल वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी मंडी को कानूनी दर्जा दिया जाए, बाढ़ ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का मुआवजा, सभी बंद मिल को चालू करने और बाढ़ का स्थायी निदान करने और कैंप लगाकर दाखिल खारिज करने की मांग भी आंदोलनकारी कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए बड़े बड़े दावे करती आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर इसे देखा जाए तो ये कई जगहों पर एक झूठा वादा बनकर रह गया है। इस वादे की सच्चाई आपको अनिल के इस संघर्ष में देखने को मिलेगी। कैमूर जिले के कुद्रा थाना क्षेत्र के सक्रिय अनिल पिछले 3 सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और आपको बता दें कि अनिल अपने 10 कट्ठा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करता है और उसे कोलकाता, पटना और रांची के बाजार में जाकर बेचता है, लेकिन इस काम में उसे काफी पैसे लगते हैं, जिसके कारण उसने कृषि कार्यालय में मदद के लिए आवेदन दिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी से विशेषज्ञ को बुलवाते हैं ताकि उनके नॉलेज को हम लोग काफी डेवलप कर दें, इससे खेती करने में उनको सहूलियत हो। और विभाग से हम लोग जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनके नॉलेज को हम लोग डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। हम लोग परसा के पार्टी जो माल ले गया, आज तक हम लोगों का हिसाब करके पैसा नहीं दिया। इस बुलेटिन बस इतना ही, आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।